Hey guys, welcome back to my channel. You should know it's Chaitali here. So braid series चल रही है guys. आज हम लोग वापस एक नई braid बनाते हैं. चलो सीखते कुछ नया. So guys, पहले हमें sectionings लेनी है, right? तो मैंने पहले crown section ले लिया है. फिर मैंने आज eyebrow की आज से मैंने ले लिया है box section, ठीक है? फिर उसको back side tie up कर लो अब box section लेकर. फिर अभी मैंने क्या किया है? उसको दो side में divide किया है. One side में मैं एक थ्री स्टैंड ब्रेड बना रही हूँ, राइट, जो आपको ऑलरेडी आती है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हो. ओके, सो मैंने थ्री स्टैंड ब्रेड क्रिएट कर रही हूँ. बोथ साइड क्रिएट करनी है, यू कैन सी, एंड इसको लूज रखना है गाइज, बिकॉज आगे जब हम लेयर्स लेंगे हेयर के तो इसके अंदर से वो पास ऑन होंगे, इसलिए हमें उसको लूज रखना है. एंड अगर मैं फ्रंट साइड से अगर तीन पार्टिंग्स ले रही हूँ तो मेरे को जो ब्रेड बनानी है उसको छः साइड्स होने चाहिए सो उससे पास हो सके. अगर चार साइड्स है तो आठ साइड्स होने चाहिए, ठीक है? सो जैसे कि आप बनाओगे ब्रेड तब आपको काउंट करना है, इट्स 1, 2, 3, 4 till 8. ओके, सो बोथ साइड आपको प्रिपेयर कर देनी है ब्रेड्स. सो मैंने दोनों ब्रेड्स ऑलरेडी रेडी कर दिए, लूज रखी है, 8 लाइंस आ गई है उसमें, राइट. सो ऐसे हम लोग ने क्रिएट करके रखा है उसको, रबर, ट्रांसपेरेंट रबर से मैं उसको टाई कर दूंगी. उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट्स के सेक्शन लेने हैं, राइट. जो क्राउन सेक्शन है उधर से हमें सेक्शनिंग करना है. सो हम लोग फ्रंट से एक लाइन लेंगे, प्रॉपरली कोम करेंगे उसको, यू पिन के हेल्प से हम लोग उसको असाइड कर देंगे. जैसे आप देख सकते हो वैसे ही सेकेंड लाइन लिया मैंने, फिर थर्ड और फोर्थ. मैं यहाँ पे फोर सेक्शंस ले रही हूँ, ठीक है? वैसे ही अगर मैंने राइट हैंड साइड फोर सेक्शन लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी आपको फोर सेम सेक्शंस लेने हैं. एंड यू पिन के हेल्प से उसको उधर सेटल करना है. आपको स्प्रे डालना नहीं भूलना है, कोमिंग करते रहना है तो उधर स्मूथ टेक्सचर दिखेगा आपको. आप देख सकते हो फोर सेक्शंस ले लिए, वैसे ही सेकेंड साइड भी आपको रेडी रखना है. फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे बोथ पोनी टेल्स है, राइट, उसमें से मुझे अभी उसको पास ऑन करना है, राइट. जो चार सेक्शंस हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड लिए और जो राइट हैंड साइड लिए उसे हम इनसाइड पुल कर देंगे. दोनों साइड के हेयर्स को वैसे ही आपको इनसाइड पुल कर देना है उसे. जब सब साइड्स आ गए फिर हम क्या करेंगे, पिन्स निकाल देंगे, यू पिन सारी, एंड अंदर प्रॉपरली टाइट कर देंगे उसे, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी ब्रेड बना देंगे. अब इसको भी थ्री स्टैंड ब्रेड क्रिएट कर दीजिए आप, छोटे छोटे, और सारे हेयर्स, मतलब वन साइड फोर एंड सेकेंड साइड फोर, मतलब टोटल 8 ब्रेड्स हो जाएगी हमारी. मैं एक सिंगल आपको दिखा रही हूँ, दूसरी आपको रेडी करके रखनी है.
आप देख सकते हो मैंने सारी पोनीटेल्स बना दिए, थ्री स्ट्रैंड ब्रेड क्रिएट हो चुकी है। सो गाइज अब हम इसे नेट इफ़ेक्ट देंगे, आप इसे प्रॉपरली देखो ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बहुत स्लो गई हूँ और इसलिए मैंने एट साइड्स बनाए थे, फोर साइड्स इनसाइड ब्रेड डालने के लिए एंड जो ब्रेड बनी है उसको आउटसाइड डालने के लिए फोर ब्रेड्स और नीचे थी राइट। अब यहाँ पे जो फिफ्थ वाले से हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उसको ब्रेड में से, जैसे एक साइड कंप्लीट हो वैसे ही सेकेंड साइड आपको कंप्लीट करना है। वन साइड से फ्रंट में जाएगा, सेकेंड साइड के बैक से जाएगा वैसे मैंने किया हुआ है, थर्ड साइड के फ्रंट एंड फोर्थ साइड के बैक साइड से जाएगा एंड जो हमारी ब्रेड बनी हुई है दो उसके आउटसाइड निकल जाएगा। आई होप सो आपको समझ रहा है प्रॉपरली। चारों चार साइड्स वैसे ही सेम आपको करना है, आप देख सकते हो ऊपर कैसे नेट जैसा जाली जैसा इफेक्ट दिख रहा है। इसके बाद आप इसको टाइट कर लो पूरा का पूरा, जैसे ही आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको टाइट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं देख रही हूँ लाइक आउटसाइड जो है ना ब्रेड्स अभी भी है, उसे हमें ओपन अप करना है बिकॉज वो ब्रेड्स अच्छी नहीं दिख रही बाहर। तो मैं क्या कर रही हूँ, जितना ऊपर ब्रेड्स चाहिए उतना ही रख रही हूँ, मैं रबड़ एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ ठीक है। उस स्ट्रिंग को मैं टाइट कर रही हूँ एंड ऊपर रबड़ डाल रही हूँ एंड फिर उसको जो नॉट्स है वो सारे ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं नॉट्स ओपन कर रही हूँ, वैसे आप ये एक देख लीजिए, उसके बाद मैं सारे सेक्शंस ऐसे ही करने वाली हूँ। सो ये पहले आप अच्छे से देख लीजिए, नॉट फ्री पूरा कर दिया मैंने, ऊपर रबर टाई अप कर दिया है सो ऊपर का लूज नहीं होगा। फिर मैं इसको अच्छे से कोम करके सेट कर दूंगी उधर ही। स्प्रेज एंड ऑल डालना मत भूलना गाइस। सी दिस इज द फाइनल लुक, वन साइड सेकेंड साइड देखो कैसे रबर्स दिख रहे, अच्छा नहीं लग रहा आप देख सकते हो। सेम सेकेंड साइड भी आप करके देख लो, फिर आप देखोगे कितना अच्छा लुक दिख रहा है यार सीरियसली ठीक है। नाउ जो हमारी दो ब्रेड्स थी जो मेन हमारी, उनको हम पोनीटेल एक साथ कर देंगे, दूसरे जो भी हो उसको ऐसे ही हम रखेंगे। सो दिस इज आर ब्रेड, ये हमारी ब्रेड है, इसको ओपन ब्रेड भी बोला जाता है, ओपन बिकॉज हेयर्स जो साइड के ना वो सारे ओपन है। सो दिस इज़ द इफेक्ट, यू कैन सी कितना मस्त दिख रहा है, यू कैन ऑल्सो ट्राई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, टिल दैट बाय बाय।